नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो को देखकर बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जिनकी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ उनके खुद के डॉक्टर्स, जिनके पास उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो सारे डॉक्टर्स हैरान हो गए हैं। उनको इतने सारे मेडिकल इश्यूज़ थे कि वो उनका रो रो के बुरा हाल था, अपने जीवन में इतनी ज़्यादा परेशान थी। आज भी जब वो अपनी आप बीती बता रही हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। डॉक्टर्स के पास जाके लाखों रुपए अपने इलाज पे खर्च कर चुकी थी, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन आज उनके इतने सारे मेडिकल इश्यूज़ ठीक हो गए। अक्सर मैं वीडियो दिखाता हूँ जिसमें लोगों का वज़न कम हुआ होता है, किसी का 25 किलो, किसी का 30 किलो, किसी का 15 किलो, किसी का 20 किलो। आज भी इनका वज़न तो कम हुआ ही हुआ है, 14 किलो वज़न भी कम हुआ है, लेकिन वज़न कम होने से ज़्यादा इनके इतने सारे मेडिकल इश्यूज़ थे। कोई हर्निया की बीमारी इनको हो गई थी, कोई माइग्रेन की समस्या हो गई थी, कोई IBS इनको हो गया था, PCOD इनको हो गया था, साइनसिस हो गए थे इनको, गैस की प्रॉब्लम थी, इनसोमनिया था, और भी बहुत सारी बीमारियाँ इनको आ गई थी जिनके मैं नाम भी नहीं बता पा रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन जब आप इनको सुनोगे और इनके डॉक्टर्स ने जब इनका ये देखा ट्रांसफॉर्मेशन, आज इनको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती है, बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गई हैं वो, और वज़न भी कम हो गया है। वज़न कम होना, देखो वज़न जिसका बढ़ा होता है ना, वो भी अपने आप में एक बीमारी है। तो भगवान ना करे कभी किसी को कोई ऐसी बीमारी हो। आप लोगों की मदद के लिए कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं जो आपको मदद करेंगे कि आपसे ये बीमारियाँ दूर रहें। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्थ इशू है उससे रिलेटेड अगर आप कोई सलाह लेना चाहते हैं तो आप ये स्क्रीन पे दो नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन संडे ऑफ होता है और सुबह 9:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ही कॉल कर सकते हैं। आप कॉल करिए, बिल्कुल निशुल्क हमारी टीम आपको मदद करेगी कि आपको कैसे वो प्रॉब्लम अपनी ठीक करनी है। चाहे वज़न ही क्यों ना बढ़ा हो, आप हमारे से फ़ोन करके वो सब चीज़ें पूछ सकते हैं। और अभी हम अपनी इस वीडियो में सुनते हैं सोनल शाह जी को, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर से हमारे साथ जुड़ी हैं और उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी बदल ली है, वो आप इस वीडियो में देखिएगा। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। सर कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप बताइए आप कैसे हैं। सर आपकी कृपा से अब बहुत ठीक है, हम बहुत अच्छे हैं। मैडम आपका नाम बता दीजिए पहले तो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनल शाह है, मैं इंदौर में रहती हूँ, मध्य प्रदेश इंदौर में। ओके। तो सोनल जी, मेरे पास कुछ तस्वीरें आई हैं आपकी और मैं अभी वही देख रहा था कि क्या फर्क पड़ा है मैडम की लाइफ में। तो ये तस्वीर आप ही की है जी? जी सर, मेरी सर देख के भी शर्म आती थी मुझे, मेरी फोटोज मैं फोटोज खिंचवाती ही नहीं थी। ये आपकी किसी ने सोते हुए भी घर में फोटो क्लिक की है जहाँ पे आपका टमी दिखाई दे रहा था, आपको बेली फैट था। जी सर, मैं सो रही थी जब बेटे ने ले ली है फोटो ये। और मैं अभी एक बार अपने दर्शकों को अभी की भी दिखा दूं, अब तो आप सुपर कॉन्फिडेंट एकदम यंग लेडी होते हैं तो वैसे हो गए हो। तो सोनल जी, कैसे हुआ और कितना वजन कम हुआ, कितने टाइम में कैसे किया, बताइए कुछ। सर मेरा वजन तो एक्चुअली देखा जाए तो 14 kg कम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 32 बार से अगर कहा जाए तो, अरे और विद इन 20 डेज में मेरा 12 kg लॉस हो गया है। अरे वाह वाह, एक्चुअली मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था आज से 2 साल पहले 32 बार के साथ। तब मेरा वजन था 79 point something, यानी 80 के आसपास ही था मेरा वजन तब। और मुझे इतने सारे हेल्थ इश्यूज थे, बहुत ही मतलब क्या नहीं थे मेरे हेल्थ में प्रॉब्लम, जितने बॉडी के पार्ट्स होते हैं उतनी प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ। बड़े बड़े डिसीज में देखा जाए तो मुझे हर्निया था, माइग्रेन था, वर्टिगो था, IBS था, और फिर PCOS था, और गाइनेकोलॉजिकल इश्यूज थे।
आंखों मतलब मैं जैसे घर के बाहर जाती थी तो मुझे आंखों में बहुत खुजली मची रहती थी, और फिर नाक में सर्दी बहुत रहती थी, जैसे कफ एंड कोल्ड की वजह से इतनी रनिंग नोज रहती थी कि मैं जेंट्स हैंकी है वो बड़े वाले वो 3 4 हैंकी लेके रात को सोती थी, और मुझे इतनी रनिंग नोज चलती रहती थी, और फिर वो सर्दी को लेकर और साइनस वगैरह से लेकर मुझे कान में खुजली रहती थी, इवन गर्मियों में भी मुझे सर्दी रहती थी और कान में बहुत कफ एंड कोल्ड रहता था तो खुजली बहुत आती रहती थी, और फिर पेट में गैस तो इतनी बनती रहती थी, अगर मैं भरपेट खाना खाऊं तो भी मैं मुझे ब्लोटिंग होती थी, और थोड़ा एम्प्टी स्टमक रहूं तो भी मुझे पेट में बहुत भारीपन रहता था, और मैं जैसे नीचे नीचे बैठ के उठती थी तो ऐसे 4 पांव जैसे मतलब हाथ का सहारा ले दे के ऐसे खड़ी हो पाती थी, बिल्कुल इजीली तो मैं खड़ी ही नहीं हो पाती थी, अच्छा और फिर सुबह उठते से ही जैसे जमीन पे पांव रखूं तो जो पांव की एड़ी है उसमें मतलब ऐसे हड्डी है ना वो चुभती थी मुझे, ऐसे लग रहा था, और फिर फ्लैट फीट की भी प्रॉब्लम थी, मतलब डॉक्टर ने तो मुझे लाइफ लॉन्ग आर्च वाली चप्पल पहनने के लिए बोल दिया था कि आपको उसके बिना चलना ही नहीं है, तो अभी तो मैं वो आर्च वाली चप्पल भी नहीं पहनती हूँ, नॉर्मल स्लीपर पहनती हूँ, बल्कि फ्लैट स्लीपर भी पहन पाती हूँ, फिर दांतों में सेंसेशन था, और मतलब इतनी छोटी छोटी सारी समस्याएं थी कि उसका कोई अंत ही नहीं, जब मेरी मम्मी से मैं गुजरात में बात करती थी तो वो बोलती थी कि बेटा क्या हो गया है तेरी बॉडी को, कैसे मतलब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, इतने क्या एक के बाद डिसीज होते रहते थे, हर्निया की तो मैंने ऑपरेशन करवाया था, 7 8 साल हो गए तो भी उसके बाद भी हर्निया की फिर वापस से प्रॉब्लम हो गई थी, और आलस बॉडी में इतना रहता था कि मतलब पहले नहीं थी आलसी, बहुत एक्टिव थी मैं, पर ये जब वेट गेन हो गया तो मेरे बॉडी में इतना मतलब आलस रहता था कि मैं कुछ भी काम कर ही नहीं पाती थी, थोड़ा सा काम करूं थक जाऊं फिर सो जाऊं, ऐसे मेरे से काम हो ही नहीं रहा था, घर के नॉर्मल रूटीन के काम भी नहीं हो रहे थे मेरे, और दिन में नींद आ जाती थी, नहीं सोना चाहूं तो काम कुछ नहीं कर पाते थे, और फिर रात के टाइम मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती थी, इंसोमियन की भी दवाई ले रही थी मैं, फिर भी मैं मुझे नींद नहीं आती थी, और फिर वो दवाई भी मेरी बेअसर हो गई थी, मतलब उसके डोजिस थे वो भी ज्यादा ज्यादा बढ़ाते रहते थे डॉक्टर, पर नींद फिर भी मुझे नहीं आती थी, और मेरी नींद या तो एकदम अर्ली मॉर्निंग 3 4 बजे से खुल जाती थी, मैं चाहे रात को 10 बजे सोऊं या रात को 12 बजे सोऊं मेरी 3 4 बजे नींद खुल ही जाती थी, मतलब बिल्कुल मेरी लाइफ इतनी अस्त व्यस्त हो गई थी कि कुछ भी मतलब मैं रूटीन का बिल्कुल कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही थी, और ये इंसोमिया की दवाई मतलब बेअसर हो गई थी, तो वो तो मेरा ये कैमोमाइल ग्रीन टी से वो दवाई भी मेरी बंद हो गई, और फिर मेरे आंखों के जो सिलिंड्रिक नंबर थे वो भी बिल्कुल चले गए, और हाथ में स्किन डिसीज मतलब इतने मतलब यहाँ पे है ना चक्का थे, मैंने आपको फोटोज भी भेजी थी मैम को कि यहाँ गले के आसपास बिल्कुल जैसे सोराइसिस जैसे रहता था, तो वो भी ठीक हो गया, नेल्स में जो मतलब पीलापन रहता था पके हुए नेल्स हो जाते थे, डॉक्टर 3 3 4 4 साल तक दवाई करी, डॉक्टर बहुत बड़े डॉक्टर जो स्किन के डॉक्टर है उन्होंने फिर भी वो क्योर नहीं कर पाते थे, और ये सब भी चीज मतलब A to Z चीज मेरी ये जब मेरा वेट लॉस हुआ उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक ठीक हो गई, ये IBS था तो मुझे उसमें क्या था कि जितनी बार मैं इनटेक लेती थी मतलब फूड इनटेक लेती थी तो दिन में 6 या 8 बार खाना में मील थोड़े थोड़े डिवाइड करके लेती थी, तो उसमें मैं उतनी बार मुझे फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता था,
तो ये थोड़ा कम हुआ ये सब चीजें। तो ऐसे ऐसे करके मतलब ये सब ठीक हुआ। एक्चुअली ये मुझे बताया है ना मेरे भाई ने, गुजरात में मेरे ब्रदर है, उन्होंने मुझे बताया कि तुमको इतनी सारी प्रॉब्लम है तो तुम ये 32 बार का फॉर्मूला क्यों नहीं अपनाती हो। तो मैंने कहा ये क्या है 32 बार का फॉर्मूला, मतलब मैंने कभी सुना नहीं था। तो उन्होंने फिर मुझे लिंक भेजा यूट्यूब का और मैंने सर्च करा, तो ये मैंने देखा कि मतलब है तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो खाना खा रहे हैं उसको ऐसे चबा चबा के खाना है। या दूसरी जगह पे आ गए। और मीनवाइल ये मुझे गायनेकोलॉजिक इश्यू थे वो सर इतना बढ़ गया था कि मुझे है ना चार डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको यूट्रस रिमूव करवाना ही पड़ेगा, जी मतलब उसका कोई इलाज ही नहीं था। मुझे इतनी ब्लीडिंग होती थी, इतनी दूसरे भी गायनेकोलॉजिक प्रॉब्लम थी, पर ये बहुत ज्यादा ही मंथली जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज्यादा ही मेरी हो गई थी। और मैं उसी कंडीशन में ही हमने घर शिफ्ट करा था, मतलब मेरा बंद ही नहीं हो रहा था। मैं रूम के अंदर बहुत कम टाइम स्पेंड करती थी और पूरा टाइम मेरा बाथरूम में स्पेंड हो रहा था। पर सभी ने बोल दिया कि आपकी ये एज हो चुकी है, अब आपका पीरियड जाने में है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल जमाने में सब यूट्रस रिमूव करवाते हैं तो आप ऑपरेशन करवा लीजिए। पर मैं चाहती थी कि कहीं ना कहीं मेरा ये बस ठीक हो जाए और मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। मुझे लग रहा था कि जब ऐसे ली जैसी बड़ी बीमारी, डायबिटीज, वो सब क्योर हो रहा है तो 32 बार से ये भी मेरा क्योर हो जाएगा। और मैं एलोपैथी में दवाई ले रही थी इसकी इसको पीसीओएस को लेकर, पर वो कुछ इफेक्ट नहीं हो रही थी। तो मैंने इस 32 बार की फॉर्मूला को कंटिन्यू रखा। तो सर आपके गुरु है अनुराग ऋषि जी, उन उन उनसे मैंने सुना था कि ये गोंद कतीरा है। और आपके वीडियो में मैंने फिर बाद में देखा था सब्जा सीड्स है, उनका क्या इफेक्ट आता है वो, कि सुबह और शाम को मुझे गोंद कतीरा और सब्जा सीड्स और मिश्री, ये तीनों चीजें एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करनी है, सुबह एम्प्टी स्टमक एंड रात को एम्प्टी स्टमक। तो मैंने वो दवाइयां स्टार्ट करी उनकी। और फिर मीनवाइल क्या हुआ कि दिसंबर मंथ आ गया तो मैंने है ना मेरी मेरे पास जो ग्रीन टी थी, मैं फॉलो आपके 5 रूल्स सभी फॉलो कर रही थी अच्छे से, पर मेरे पास जो ग्रीन टी थी वो खत्म हो चुकी थी। तो मैंने है ना 32 बार से ग्रीन टी ऑर्डर करी। मैंने कहा अब तक मैं जो ले रही थी वो जो लोकल जो ग्रीन टी आती है वो सब मैं ले रही थी, पर कोई इतनी इफेक्टिव नहीं है सर जितनी मुझे आपकी ये 32 बार की ग्रीन टी ने मुझे जो नया जीवन दिया है और मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाई है। क्योंकि मैं तो बोलूंगी कि 32 बार की ग्रीन टी नहीं है, संजीवनी ही नाम रख दीजिए, संजीवनी बूटी, इतना इफेक्ट करता है। क्योंकि दिसंबर एंड में मैंने ऑर्डर करी थी और तकरीबन 28-29 दिसंबर को मेरे पास आ गई और मैंने लेना स्टार्ट कर दिया जनवरी मंथ से। और 22 जनवरी आई जब अपना अयोध्या मंदिर स्थापना डे था, तब वो प्रोग्राम के लिए गई तो वहां पे मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले सब, मतलब जो भी एक के बाद मेरे जो पुराने साधक मिलते गए वो तो मुझे देख के इतना मतलब बोलते गए कि मैम क्या मिरेकल चेंज है, आपने योगा छोड़ दिया और उसके बाद आपका इतना वेट लॉस हो गया। और मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा सर। पर ये मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेरा इतना वेट लॉस हो रहा था पर मुझे फील नहीं हो रहा था बिल्कुल ही कि मेरा इतना वजन कम हो गया है। ये एक मतलब क्या बोलते हैं, प्लस पॉइंट बोलो कि क्या बोलो, जो भी बोलो इस फॉर्मूला का, तो
मतलब समझ लो बिल्कुल 22 दिन मैंने ऑर्डर करे थे ग्रीन टी को, और वो लीरी इफेक्ट करने लग गई, मेरे जो पीरियड्स की जो वो थे वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो गए। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, बहुत खुश हूँ मैं सर, बहुत मतलब बहुत बहुत थैंक यू गॉड के बाद जो हो हम लोगों के लिए, तो नेक्स्ट आप ही हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो बताया। मेरे ख्याल से मुझे इंटरव्यू लेते लेते ना अभी तक लोगों के 4-5 साल हो चुके हैं, मैं लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूँ। आज पहली बार लाइफ में जी मैंने किसी का इंटरव्यू लिया है जिसमें किसी के इतने सारे मेडिकल इश्यू ठीक हो गए। मतलब ये अपने आप में मेरे लिए भी एक बहुत जी बड़ी सर, हैरानी की बात है, और मैं भगवान से दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद कर रहा हूँ कि हमारे मतलब मेरी वाणी में कुछ ऐसे शब्द आए जिसकी वजह से किसी के इतने सारे रोग ठीक हो गए। तो मतलब मैं कितना भाग्यशाली अपने आप को समझ रहा हूँ कि आज ये छोटी सी बात हमने शुरू की थी कि लोगों को धीरे चबा के खाना बताना था और लोगों की बीमारियां ठीक हो रही। वजन कम होना तो ना एक छोटी सी बात होती है, लेकिन मैं जैसे आप बताते बताते आपके आंसू आने लगे कि आप इतने परेशान थे। अब आप ये बताइए कि वो जो जितने भी मेडिकल इश्यूज थे वो सबके सभी ठीक हो गए आपके? सर सबके सब ठीक हो गए। सर मैं एक बात और बताना भूल गई कि मेरे इतने सारे मेडिकल इश्यू थे तो मैं है ना डिप्रेशन में भी चली गई थी, और डिप्रेशन की भी मैंने दवाइयां ली है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि एक जो नहीं करने के विचार है वो आ जाते हैं सर, जब इतने सारे हेल्थ इश्यू अपने साथ हो जाते हैं। मतलब कोई एक ऐसा हेल्थ इश्यू नहीं होगा जो मुझे टच नहीं कर रहा था। 23 22 23 साल से मैं परेशान थी, जब से मेरा डिलीवरी हुई, बेटा हुआ, उसके बाद से मेरा वजन बढ़ गया था। तब से मेरे ना एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलते रहते थे, कोई ना कोई प्रॉब्लम। मतलब एक को खत्म करो, एक डॉक्टर के पास जाना बंद करो, मैं तो मेरी दवाइयों में ही मेरे सारे खर्चे उसी के पीछे ही मेरे चले जाते थे, इतने खर्चे करवाती थी मैं, और फिर भी है ना ठीक नहीं हो रहा था बिल्कुल ही, ऐसी हालत थी। मतलब जिसके साथ होता है ना सर उसको ही मालूम है कि इतना लंबे टाइम, एक सीता को भी 14 साल का वनवास था, मैं सोच रही थी कि 24 साल हो गए अभी तक मेरा वनवास खत्म नहीं हुआ। अब हो गया मैडम, अब आपके अब तो कोई दवाई ववाई नहीं लेनी पड़ती आपको? नहीं सर बिल्कुल नहीं, मतलब जो दवाई साइंस में भी नहीं हो रहा है क्योर, कि जहां हम जाते हैं जिम वगैरह में, जिम बनाई है वेट लॉस और वेट गेन के लिए, वो वहां पे वो लोग नहीं करवा पाते हैं, पर 32 बार का हम 5 रूल फॉलो करें, और मेनली मुझे ऐसे लग रहा है कि सर ये 32 बार की ग्रीन टी, मतलब मुझे किसी ने आपने किसी ने नहीं बोला है कि ये ग्रीन टी के बारे में मैं इतनी तारीफ करूं, पर मेरे पास शब्द नहीं है। मैं मैम को भी, मतलब मैम के भी मैं कांटेक्ट में रहती थी, तो उनको भी मैं बोल रही थी कि मैंने बहुत लेट कर दी ग्रीन टी ऑर्डर कर, बेटे को बोला कि बेटा ऑर्डर कर दो मेरी ग्रीन टी, और उसने मुझे मतलब उसने मैम को ऑर्डर करा था और मैंने ग्रीन टी मंगाई, और ग्रीन टी 3 4 दिन में आ गई है। पूछ रहा था आपका जो खाना था, जो आपकी डाइट थी, वो पहले से काफी कम हो हाँ गई 32 बार के बाद? हाँ तो दिन की समझ लो मेरी 8 10 रोटी जितनी डाइट थी, उसमें से है ना पूरे दिन की मैं एक रोटी ले पा रही थी, और वो भी बड़ी मुश्किल से मैं ले रही थी। इतना कम खाना खाने के बाद आपको कोई हेलो, वीकनेस तो नहीं महसूस होती थी? नहीं सर नहीं, बिल्कुल वीकनेस कम खाने की वजह से नहीं हो रही थी, जबकि मेरी जो बॉडी में इतने पीरियड से वो चल रहा था मेरा, बिल्कुल कुछ भी वीकनेस तो नहीं लग रही थी, बल्कि और एनर्जेटिक मुझे फील हो रहा था। मैं घर के काम कर पा रही थी, ऐसी तबीयत में भी मैं घर संभाल पा रही थी बिल्कुल ही। मैं सुनन जी ये पूछना चाह रहा था कि हाँ आपके पुराने वाले जितने भी कपड़े हैं वो सभी अभी ढीले पड़ गए हैं? सर, वो कपड़े
मतलब टेलर तो बोले कि एक ऑल्ट्रेशन की एक लिमिट होती है मैम, तो उन्होंने तो मतलब एक अंदर ऑल्टर करके भी उसको कितना अंदर दबाएगा, तो वो तो बिल्कुल नहीं हो रहे को, 95% कपड़े नहीं हो रहे, मेरे पुराने कपड़े नहीं हो पा ओके रहे। एंड आपको अभी खाना खाने में कितना टाइम लगता है? सर मुझे 1.25 से 1.5 घंटा, कम से कम 1.25 से 1.5 घंटा लगता है खाना ओके खाने में। जैसे खाने के टुकड़े होते हैं वो आप पहले ही करके रख लेते हैं या खाना खाने के साथ साथ करते रहते हैं? सर मैं है ना पहले जैसे करके रखती थी टुकड़े, जब पहले मेरा वेट लॉस हुआ ना तब मैं पहले ही ऐसे टुकड़े करती थी, तो फिर मैंने है ना टुकड़े करने बंद कर दिए और मैं छोटे छोटे ऐसे बाइट्स लेके मैं खाने लग गई। वेरी गुड। और मैडम आपने सॉल्ट फ्री डे किया है? सर सॉल्ट फ्री डे में ऐसा है, नमक तो मैं यूं भी मैं ले रही थी तो भी मेरा बीपी बहुत डाउन रहता था, तो मैं मेरा सॉल्ट फ्री डे तब मेरा बिल्कुल नहीं हो रहा था, पर जी अब मैं थोड़े मतलब 2-3 महीने से मैं कर रही हूँ सॉल्ट फ्री डे, तो मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ सॉल्ट फ्री वेरी डे। नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैडम ये जितना भी आपका वेट लॉस हुआ इस पूरी की पूरी यात्रा में हमारी टीम के द्वारा कभी भी कोई आपसे किसी प्रकार का कोई पैसा वगैरह कुछ मांगा गया? सर बिल्कुल नहीं, आपकी टीम ने या किसी ने भी मेरे से पैसे नहीं मांगे। और डॉक्टर्स के नहीं सर, पास ये जो पिछले टाइम में डॉक्टर्स के पास आई सपोज आपके लाखों रुपए लग गए होंगे इन सब दवाइयों के उपचार में। हाँ सर वही वही वो मेरे सब उल्टे पैसे बच रहे हैं, पर इतना जो सर मेरा इंच लॉस हुआ है मतलब आप मानोगे नहीं, मैंने कभी मेजर टेप से मापा नहीं था जब मैं मोटी थी तब, तो पर मेरे सबसे ज्यादा ना मेरी पेट पे और हिप्स पे था, और मैंने अभी है ना आज ही मैंने गूगल में सर्च करा कि मेरी जो पुरानी ड्रेस थी ना उसको मैंने मापा और वो मेरा अप्रोक्सीमेटली आ रहा था 5XL जितना, मतलब ट्रिपल एक्सेल नहीं 4XL नहीं 5XL जितना, 50+ मेरे इंचिस हो रहे थे पेट के, और अभी मैं ऐसी लग रही हूँ और इतने इंच लॉस हो गए मेरे, लगभग 14-16 इंचिस तो कम से कम कम हुए हैं, क्योंकि मैंने पहले नहीं मापा था तो इसलिए मैं नहीं बता पा रही हूँ, बहुत इंचिस लॉस बहुत ज्यादा हुए हैं मेरे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोनल जी आज जो आपसे हमने बात की है ना, मतलब मेरे लाइफ का एक बहुत ही, ये इसको मैं कहूँ कि बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है ये, कि जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे खुद को इतनी खुशी हुई है अंदर से ये जान के कि किसी की इतने सारे हेल्थ इश्यूज ठीक हो सकते हैं 32 बार के बदौलत। तो बहुत बढ़िया मैडम, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा हमेशा आपको स्वस्थ रखे और आपके जीवन में ऐसे ही खुशियां ही खुशियां आए हमेशा। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि सोनल जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सोनल जी इंदौर से हमारे साथ हैं और आप देख सकते हैं इन्होंने बताया पूरी वीडियो में, इतने सारे मेडिकल इश्यूज किसी को होना इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। और ये बताते हुए आज उस समय को याद करके भी इमोशनल हो रही है। तो आप में से भी बहुत से लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, भगवान ना करे किसी को कोई हेल्थ इश्यू हो, लेकिन अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यू है तो मैं आप लोगों को एक निवेदन करूंगा कि आप जो कुछ भी अपने जीवन में कर रहे हो, किसी डॉक्टर से दवाई ले रहे हो, कोई योगा कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो आप करते रहिए, साथ में 32 बार को एक ट्राई देके देखिए। 32 बार ना सिर्फ और सिर्फ खाने को धीरे चबाने का फॉर्मूला है कि आप जो खाना तेजी से खा जाते हो, हमने इसको 5 स्टेप्स के अंदर बना दिया है कि आप रोटी खाएं या चावल खाएं, छोटे टुकड़े लीजिए। एक रोटी के जो स्टैंडर्ड साइज की रोटी होती है उसके 30 से 35 टुकड़े करके अपनी प्लेट में रख लीजिए। उस टुकड़े को जब मुंह में डालें तो इतना ज्यादा चबाएं कि वो जब पानी बन जाए फिर उसे अंदर लेकर जाएं। लोग 3-4 बार चबाते हैं और अंदर ले जाते हैं। खाना खाने में लंबा समय लीजिए, लोग अक्सर 5 या 10 मिनट में खाना अपना खा के खत्म कर देते हैं। हम बोलते हैं खाना खाने में कम से कम आधा घंटे का समय लीजिए, सोनल जी को 1 घंटे से भी ज्यादा लगता है। और खाना खाने के सवा जी 1.5 घंटे खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पी लीजिए और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लीजिए। ये 5 बातें अगर दुनिया में कोई भी इंसान करे वो अपनी बड़े से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है।
और आपके सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। मैं पिछले बहुत सारी वीडियोस में, मतलब बहुत सारी के शायद ही कोई ऐसी वीडियो होती है जिसमें लोग ये ना बताएं कि हमारा ये पर्टिकुलर मेडिकल इश्यू ठीक हो गया। तो आपके मेडिकल इश्यूज भी ठीक हो जाएंगे, आपका वजन भी कम होगा, आप कॉन्फिडेंट लगेंगे, सुंदर लगेंगे, जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, जैसे एक नया जन्म होता है ऐसा हो जाएगा। और ये सब बताने के लिए मैंने कोई सोनल जी को कोई पैसे नहीं दिए, मैं जिंदगी में पहली बार आज इनसे मिला। और सब आपको जब ऐसा होगा ना आपके साथ कि आपका वजन कम होगा और वो भी सिर्फ धीरे चबाने की वजह से, आप हैरान हो जाओगे ये देख के। तो हम लोगों ने मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि मेरा एक सपना है कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल खोलूँ जहाँ किसी से कोई इलाज के लिए कोई पैसा ना लिया जाए। तो हम बहुत जल्दी वो हॉस्पिटल भी खोलने वाले हैं। उसके अलावा हम लोगों ने एक प्रकल्प शुरू करने का किया है अपने मन से कि हमारे दो नंबर्स हैं, वो नंबर्स हम यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। अगर किसी को भी कोई भी हेल्थ इश्यू है और उसमें क्या उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे उनको खाना चबा के खाना है, कैसे कितना बड़ा टुकड़े का साइज होना चाहिए, क्या क्या उनको जिंदगी में अपने प्रिकॉशंस लेके चलना है, उस सारी डिटेल के बारे में हमारे पास, हम कुछ अपने यहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल्स को हायर करने जा रहे हैं जो टेलीफोनिकली आप लोगों को गाइड करेंगे। तो आप हमारे उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और वहां कॉल करके कोई भी जानकारी लेने के लिए आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा। बिल्कुल निशुल्क वो सुविधा आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली है। तो आप ये जो नंबर दिए गए स्क्रीन पे, इन पे कॉल कर सकते हैं। और साथ में सोनल जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा हमसे जुड़ने के लिए, आपने इतने विस्तार से अपनी सारी डिटेल्स को बताया। और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि वजन घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी, मैं उसे मानता हूँ, वो हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहां से भी मिल जाएगी, मीशो से भी, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, सब जगह से मिलती है। इस वीडियो के नीचे भी लिंक दिया हुआ है, वहां से होने वाले सारे प्रॉफिट से हम बहुत जल्दी हॉस्पिटल बनाने वाले हेलो हैं। किसी से इलाज के लिए कोई उनसे पैसा नहीं दिया जाएगा। सर, कई लोग पूछते हैं ना कि मेरे ये डिसीज ठीक हो जाएंगे क्या, ये डिसीज ठीक हो जाएगा क्या, ये अगर 32 बार करेंगे तो। मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शंका रहती है, इतने सारे वेट लॉस और इतना शॉर्ट टाइम में, और या तो भी बड़े टाइम में भी बहुत सारा वेट लॉस, जैसे कई लोगों का तो 30-40 किलो भी वेट लॉस हुआ है, तो वो लोग पूछते हैं ना कि मेरे ये प्रॉब्लम है, ये ठीक होगा क्या। तो मैं उन लोगों को ये थोड़ा बताना चाहूंगी कि हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो तब हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, तब भी हम पैसे पे कर देते हैं, है ना। फिर डॉक्टर आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आपको ये दवाई लेनी है, ये दवाई लेनी है, अब आप ठीक नहीं हुआ, अब आप ये डायग्नोसिस करवाओ, वो डायग्नोसिस करवाओ, ऐसा। तो मतलब एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं। पर ये जो 32 बार का प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे हमको ना ही एडवांस में कुछ पे करना है, ना ही बाद में भी कुछ भी पे करना है, बस जो भी है वो पर्टिकुलर जो कर रहा है फॉर्मूला को फॉलो, उसको मिलना ही मिलना है, कुछ भी गवाना तो है ही नहीं। बस ये है कि अपना थोड़ा सा टाइम देके आप शिद्दत से करो, और वो टाइम भी आपका है ना बच जाएगा। जब आगे आपका थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा आपको कि आपको टाइम लग रहा है खाना खाने में, इतना 1.5 घंटा लग रहा है, वो तो फोकट है, वो तो घर घर की मतलब हाउसवाइफ है तो वो कर लेती है। पर ऐसा नहीं है सर, हाउसवाइफ भी अपना घर बहुत मुश्किल से चलाती है और बहुत मुश्किल से मैनेज करती है। तो आप एक बार थोड़े दिन मैनेज करो, उसके बाद आपका जो लंच का टाइम है, इवनिंग का, डिनर का टाइम है, वो सभी एक वो हो जाएगा, और आपको बिल्कुल दिन भर में सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम देने की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ भी आपका जाना तो कुछ नहीं है, जो भी खाने को देंगे वो आपके खुद के शरीर के अंदर ही खाना जाएगा, तो किसी और के लिए तो कुछ खर्चा है ही नहीं, उल्टा आपका जो भी खर्चा है वो सब बच जाएगा। बस आप एक बार, सिर्फ एक बार सब चीजें, सब टेंशन छोड़ के बिल्कुल ब्लाइंडली, जैसे हम भगवान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं ना, वैसे ट्रस्ट करके एक बार 2 दिन तक, 2 दिन नहीं तो 1 दिन तक, अगर पूरे लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर 32 बार से आप खा के देखिए,
फिर आपको मालूम पड़ेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ तक सही है या गलत है। मतलब ये जो बोलने वाले के ऊपर कई लोगों को डाउट होता है कि नहीं, कुछ पैसे दिए होंगे, लिए होंगे, कुछ भी, वो सब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा दुख है शरीर का, ये है शरीर का दुख है। जैसे सबसे बड़ा सुख बोला गया है, सबसे पहला सुख निरोगी काया, तो ये जो सबसे सुख का है अनुभव, वो मैं आज फील कर रही हूँ सर। 32 बार का फॉर्मूला मेरे पास आया और भगवान ने मुझे आपको मेरी जिंदगी में भेजा। उससे पहले मैं खुद मेरे थोड़े ऐसे टूटे टूटे शब्दों में एक गाना में बता रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में गुरु आप आए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर आप जी बहुत खुश रहे और ऐसे ही सबको खुशियां बांटते रहे, बस वही भगवान से मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच बहुत सर। धन्यवाद मैडम, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 32 बार वाली ग्रीन टी जो आप लोग लेते हैं, इसमें नया मिंट फ्लेवर भी आ गया है, और ये मिंट फ्लेवर इस मौसम में खासकर बहुत ही असरदार है और बहुत ही रिफ़्रेशिंग है। तो इसे भी ऑर्डर कर सकते हैं 32बार.com से, मीशो से, फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से, कहीं से भी। यहाँ से होने वाले प्रॉफिट से हम एक बहुत जल्दी एक हॉस्पिटल बनेगा जिसमें इलाज के लिए किसी से पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो आपने ये वीडियो देखी, बहुत धन्यवाद। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।